नाहन विधानसभा क्षेत्र के सतीवाला में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान की उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान राजस्थान की उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बहुत अच्छा माहौल है और हमारे सारे ही कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, बहुत जोश है सब में, जनता में भी बहुत उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है, मैं बहुत सारे प्रदेशों में गई हूँ और आप देखिएगा हम लोग 400 पार निश्चित रूप से करेंगे। बहुत बहुत मजबूती से मुद्दे उठाए हैं, मैं भी इनके साथ सांसद थी और बहुत पूरी जो भी यहाँ की समस्याएं थी वो सारी ही बातें उन्होंने हमेशा ही संसद में रखी हैं और बहुत सारा विकास का काम भी हुआ है। चाहे हम इनकी लोकसभा की बात करें, चाहे हम यहाँ पर हमारे बिंदल जी के काम की बात करें, सभी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत आवश्यक है कि मोदी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी और ये सब सुरेश जी और सभी यहाँ से सांसद जीत के जाएं, ताकि बहुत और भी काम है, बहुत विकास है जो इस क्षेत्र में हो सके। भी नहीं, उनकी गारंटी को कोई नहीं मानता, उनके पास नेता ही नहीं है, उनके पास नीति ही नहीं है, ना उनकी नीयत है कुछ काम करने की। यहाँ पर भी अभी मुझे जानकारी मिली कि ज़्यादातर सारी ही जो काम पहले शुरू हुए थे, चाहे सड़क का काम है, PHC, CHC, स्कूल्स, सब कुछ बंद पड़े हैं। तो ये तो हालत उन्होंने कर दी है सिर्फ 2 साल में, तो इनसे तो किसी को कोई उम्मीद ही नहीं। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजीव बिंदल ने कांग्रेस को प्रदेश की नॉन सीरियस सरकार करार दिया। की पाइपें लग रही थी, सैकड़ों स्कीमें बन रही थी, पानी का काम बंद, अनेक सारे स्कूल बंद, वेटनरी डिस्पेंसरियां बंद और 265 करोड़ रुपए का अस्पताल नाहन में बन रहा था वो भी। अगर हिम्मत है, आज मैं इस मंच से चुनौती दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी आए और आकर के बताए उन्होंने नाहन विधानसभा क्षेत्र में 1 पैसे का भी काम किया होगा, हम भी उनके पीछे चलेंगे। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको सरेंडर करना पड़े। आपके सामने कह रहा हूँ, ये सरकार कॉमेडी की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं वहां कोई ना कोई कॉमेडी करके आते हैं। ऊना में गए, वहां जाकर के बोलते हैं ये जो MLA कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गए ये काले नाग है। अरे भाई, इनको आदमी भी काले नाग दिखते। मंडी में गए और वहां पर एक मंडी में एक आजकल मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी स्टेज पे थे, मंत्री भी स्टेज के ऊपर थे, बोले ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये बरसाती मेंढक है। तो भेड़ बकरियां हैं और इन भेड़ बकरी, ये सरकार नॉन सीरियस सरकार है। और इस सरकार के अंदर मंत्री ने क्या बोला भरी जनसभा में मुख्यमंत्री के सामने, बोले ये जितने बैठे वाले हो गए सब मकड़ झांडू है। अब वो समझ ही नहीं आया कि मकड़ झांडू क्या होता है, आज तक डिक्शनरी में नहीं मिला, ढूंढ रहे हैं, मीडिया वाले भी ढूंढ रहे हैं, शिमला वाले भी ढूंढ रहे हैं, आएगी मकड़ झांडू कौन है और श्री राम के भक्त कौन है। वही इस सम्मेलन में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री और पोंटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी और शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।